हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 15वें दिन से संबंधित है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीलिंग रोज के बारे में। सीलिंग रोज क्या होता है, इसका उपयोग किस जगह पर किया जाता है, इस वीडियो में हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही छोटी है, इसी वजह से इसको पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये चित्र देखिए, इसी को सीलिंग रोज कहा जाता है। इसको आपने कहीं ना कहीं ज़रूर ही देखा होगा। वायरिंग करते समय ये अंडरग्राउंड होता है तो गोल जो स्ट्रिप होती है, गोल वाले जंक्शन पर इसको लगाया जाता है। पट्टी वाला जब होता है तो पट्टी वाला का जंक्शन होता है उसके ऊपर ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसका उपयोग क्या है, तो जैसे आप जानते हैं ट्यूबलाइट हो गया, और उसके ट्यूबलाइट के लिए कोई होल्डर वगैरह आता नहीं है। ट्यूबलाइट मतलब लंबा वाला जो राड होता है, ये कुछ इस तरीके का राड, तो ट्यूबलाइट के लिए कोई होल्डर होता नहीं है। एग्जास्ट पंखा हो गया, उसके लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि उसको आप लगा सके। तो ऐसे चीज़ों के लिए वायर सिर्फ जिनमें से निकला रहता है, जिन भी वैद्युतिक उपकरण से केवल वायर निकला हुआ है, तो उनके लिए ये सीलिंग रोज काम करता है और उनका वायर डायरेक्ट इस सीलिंग रोज के अंदर जोड़ा जाता है और जोड़ करके उनको सप्लाई प्रदान की जाती है। इसका कनेक्शन करते समय जैसे आप होल्डर का कनेक्शन करेंगे, मतलब उसमें फेज और न्यूट्रल सप्लाई देंगे, और उसका कनेक्शन का जो वायर होता है, मतलब जो स्विच होता है, जो मकान जो कमरा है, कमरे के स्विच बोर्ड के अंदर उसका स्विच लगाया जाता है। और इसके द्वारा तीन चीज़ ही ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे सीलिंग फैन हो गया, और एग्जास्ट फैन हो गया, और ट्यूबलाइट हो गया। ये तीन चीज़ों को ज़्यादातर जो है कि इस सीलिंग रोज के द्वारा सप्लाई दी जाती है। इसको यदि आप खोलते हैं तो खोलने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर दो टर्मिनल है, और उस दो टर्मिनल में वायरिंग करते समय नीचे से दो वायर पहले ही से जा करके जुड़े रहते हैं, और वो दोनों वायर जो है उसमें से एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। फेज का कंट्रोल जो है कि आपके स्विच बोर्ड से किया गया होता है, और बाकी उसके ऊपर से बाद में जब भी आप ट्यूबलाइट लगाएंगे या एग्जास्ट पंखा लगाएंगे या फिर ऐसा कोई वैद्युतिक उपकरण जिसको आप दीवार के ऊपर लगा रहे हैं या छत के ऊपर से लगा रहे हैं, तो उसको सप्लाई प्रदान करने के लिए इसी सीलिंग रोज का ही उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। यदि इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या फिर आप कोई हमको सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव के लिए भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।